नमस्कार, आप देख रहे मगध टीवी। धनसिर पंचायत के प्लस टू खुरहार स्कूल में देख रहे हैं मगध टीवी। और धनसिर पंचायत के एक हाई स्कूल में बीती रात चोरी हो जाती है और जिसकी खबर मिलते ही पूरे पंचायत में हड़कंप मच जाता है, क्योंकि ये पहली बार नहीं, एक ही विद्यालय में लगातार बार बार चोरी होना ये छोटी बात नहीं है। किसी प्राइवेट निजी विद्यालय या किसी निजी घरों में जब चोरी हो जाती है तो प्रशासन मौके पर तुरंत पहुँचती है और इसकी जाँच करती है, परंतु सरकारी विद्यालय की स्थिति ये है कि लगातार चार बार चोरी होने के बावजूद भी प्रशासन सक्रिय नहीं है, अधिकारी कोई एक्शन नहीं लेते, सिर्फ एक FIR दर्ज कर दिया जाता है। स्कूल की हालत देखा जाए कि बिहार सरकार के जो बड़े बड़े दावे हैं, अच्छी शिक्षा, अच्छा व्यवस्था स्कूल का, लेकिन परंतु जब इस पंचायत में मैंने आया और हाई स्कूल की स्थिति देखी तो जर्जर है। यहाँ की गेट और खिड़कियाँ की हालत इस तरह है कि कभी भी कुछ भी सारी चीज़ें चोरी हो सकती हैं। और हालत देखा जाए, जब से निर्माण हुआ है तब से इसके बाद कभी ना इस गेट की कभी पेंट हुई है, ना पोचाड़ा हुआ है, ना स्कूल की हालत ऐसी है कि ना ही प्रधान चारकों को इस बात से फर्क पड़ता है, ना ही यहाँ के शिक्षा पदाधिकारी को। यहाँ के बच्चे किस हाल में पढ़ते होंगे आप देख सकते हैं। बिहार के स्कूल की शिक्षा व्यवस्था क्या है, स्कूल की व्यवस्था क्या है, स्थानीय प्रशासन पर इस पर संज्ञान लेने की आवश्यकता है और इसे इस चोरी पर सख्त से सख्त चोरी करने वाले पर कार्रवाई होनी चाहिए। हालत तो देखिए, ये सरकारी विद्यालय है जिसका खिड़की का गेट टूटा है, दरवाजे का गेट टूटा है। आखिर विद्यालय में चोरी क्यों? कहीं ना कहीं यहाँ के कर्मियों की कहीं ना कहीं लापरवाही देखी जाती है। विद्यालय का हाल तो देखिए, ऐसे विद्यालय का जिसे गेट अगर हल्का सा झटका दिया जाए तो ये टूट सकता है, बेंच की चोरी हो जाएगी, क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा सरकार की संपत्ति लूट जाएगी। भी आया, यहाँ के शिक्षक लगातार शिकायत करते रहते हैं कि बेंच की जो स्थिति है वो जर्जर है, टूटी हुई है, बच्चे कभी जमीन पे बैठते हैं कभी उस लायक भी नहीं है कि यहाँ पर बच्चे बैठ सके और अच्छे से शिक्षा ग्रहण कर सके, और ना ही किसी शिक्षा पदाधिकारी पर इस पर कोई संज्ञान लेते हैं, ना ही कैसे होंगे। ऐसी हालत बिहार की स्थिति बहुत सारे विद्यालयों की है, उनमें से एक धनसिर पंचायत का भी हाल यही है। जमीन की जब से बना है विद्यालय स्कूल बनते हैं, फंड आते हैं, बहुत सारे ठेकेदार पहुंचते हैं, और हालत देखिए, ये बनते के साथ ही ईंट की हालत, इस जमीन की हालत इस तरह से कि जर्जर हो गई, टूट गई है। कुछ लोगों ने ईंट भी यहाँ से चुरा के ले गए, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, ना विद्यालय का किसी प्रकार का बाउंड्री है, ना विद्यालय में किसी प्रकार की सुरक्षा, ना सही से किसी विद्यालय का गेट है, ना खिड़की। आखिर चोरी होना तो फिर तय है, और इससे ना ही सिर्फ पूरे पंचायत, पूरे गया जिला में इसका मैसेज जो जा रहा है वो यही जा रहा है कि जो सरकारी संपत्तियां हैं उसकी चोरी हो जाती है तो कोई फर्क किसी को नहीं पड़ता है। इससे ना किसी अधिकारी को फर्क पड़ता है, ना स्थानीय प्रशासन को, और ना विद्यालय के प्रधानाचार्य को। आप देख रहे हैं मगध टीवी, शमशुल के साथ।
कौन सा विद्यालय है सर? यह उच्च विद्यालय खुरार है। खुरार है। कल यहाँ सुनने में आ रहा है यहाँ पर चोरी हुई थी, किस तरह से चोरी की सूचना आपको मिली? चोरी की सूचना तो हमें टीचर द्वारा दिया गया था, लेकिन चोरी की जो घटना है वो कल नया थोड़ी ना हुआ है, चौथी बार चोरी हुआ है कल लगाकर। किस चीज़ की चोरी हुई? यहाँ बहुत सब व्यवस्था था सरकार की तरफ से, बच्चों को पढ़ने के लिए कंप्यूटर था, लैपटॉप था, टीवी था, मतलब बहुत फैसिलिटी था। तो ये सब स्मार्ट क्लास में चोरी हुई? हाँ, स्मार्ट क्लास में चोरी हुआ। और जब भी चोरी होता है स्मार्ट क्लास में, यहाँ देख सकते हैं खिड़की की स्थिति, देखिए बेंच का पटरा तक लोग चोरा के लेके जा चल जाते हैं। क्या वजह है चोरी की? वजह सबसे बड़ी वजह है चोरी के लिए कि प्रशासन इस विद्यालय पर ध्यान नहीं दे रही है। जो शिक्षा पदाधिकारी की प्रशासन है उनको ध्यान देना चाहिए। यहाँ बाउंड्री नहीं है, चार दीवारी नहीं है, कोई भी व्यक्ति जब पाते हैं जब आते हैं जब जाते हैं कोई देखने वाला नहीं होता है, कोई कुछ बोलने वाला नहीं होता है, सुनसान इलाका पड़ता है और नाइट गार्ड भी नहीं है। जब चोरी हुई होगी तो प्रधान चार्य से बात किया होगा आपने? क्या कहा उसने? की बात हमने की तो बोले कि हम तो स्कूल बंद करके गए हैं और दूसरे दिन आए तो देख रहे हैं कि ताला टूटा हुआ है, कबाड़ा हुआ है, टीवी गायब है। उन्होंने शिक्षा पदाधिकारी को कुछ किसी तरह का लेटर इसके बारे में हमने पूछे तो बोले कि बहुत सा हम लोग लेटर दे चुके हैं, जब भी घटना घटती है तो थाना में प्राथमिकी भी दर्ज करवाते हैं। स्कूल की स्थिति क्या है? बहुत जर्जर स्थिति, बहुत खराब स्थिति है, एकदम स्थिति जर्जर है स्कूल की। कैसे लोग पढ़े, विद्यालय में बच्चे तो कैसे पढ़े वो आप देख सकते हैं, बेंच में पढ़ रहे हैं बैठेंगे कैसे, लिखेंगे कहाँ, इसमें क्या है, खिड़की नहीं है, इसमें कुछ भी समा रखा था कोई भी चोरी कर लेगा। सर आप इसी पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि हैं, तो इस हालत, इस तरह की विद्यालय को देखकर क्या कहेंगे? बिहार सरकार तो दावा करती है कि सबसे अच्छी शिक्षा बिहार में दी जाएगी। नहीं नहीं, दावा तो खोखला नजर आ रहा है, बिहार सरकार की दावा है खोखला नजर आ रही है। आप देख सकते हैं इसको, स्कूल बना है, देखिए क्या स्थिति है, ईटा कबड़ रहा है, कुछ दिन में पूरा ईटा गायब हो जाएगा तो लोग कहेंगे ठेकेदार ईटा दिया ही नहीं, क्वालिटी की जांच होना चाहिए, पेंट भी नहीं हुआ, इसका क्वालिटी की जांच करवाना चाहिए, जो ठेकेदार काम करवाया है किसी ढंग से काम करवाया। देखिए बिल्डिंग अभी भी चरक रही है सब, कौन सी स्थिति में बिल्डिंग बनाया गया है, जाँच का विषय है, जाँच करना चाहिए शिक्षा पदाधिकारी को। डीएम साहब से भी आग्रह करेंगे इसकी चार दीवारी का निर्माण का कार्य तेजी करवाना चाहिए, जल्दी करवाना चाहिए। तो चोरी की FIR वगैरह कराई गई? हाँ, चोरी की FIR प्रधानाध्यापक के द्वारा करवाई गई है। प्रशासन आई थी? प्रशासन आई थी जाँच करने के लिए आई थी। क्या हुआ आपका परिचय? आई देख के गई FIR की, ये तो चौथा बार है। ऐसा लगता है ना कि जब पब्लिक के कोई एक ही पब्लिक के घर में अगर हम प्रशासन से पूछना चाहते हैं, जिलाधिकारी से पूछना चाहते हैं कि एक ही व्यक्ति के घर में अगर चार बार चोरी हो तो हमको लगता है कि पांचवा बार SP साहब को खुद जाना पड़ेगा उनके घर विजिट के लिए। लेकिन विद्यालय है ना, सरकारी संपत्ति, सरकार की प्रॉपर्टी, किसी परवाह है। चौथी बार चोरी हुआ, पांचवा बार कोई देखने वाला नहीं है, आज तक कोई वरीय पदाधिकारी यहाँ नहीं आया थाना को छोड़ के कि हाँ भाई स्थिति आखिर चार बार चोरी हो रही है क्यों। शिक्षा पदाधिकारी आँख बंद कर सूते हैं, फॉर्मेलिटी हो जाता है, चोरी होती है, FIR हो जाता है। बेंच की स्थिति, एकदम देख सकते हैं बेंच की स्थिति, एक बैठने जर्जर है। बेंच की ऐसी स्थिति कि आज स्कूल बंद है लेकिन देखिए खिड़की, कोई भी जा सकता है, आप भी इसका फोटो ले सकते हैं कि अंदर क्या है बाहर क्या है। क्या कहना चाहेंगे? हम कहना ही चाहेंगे पदाधिकारी, शिक्षा पदाधिकारी महोदय से, जिलाधिकारी महोदय से कहना चाहेंगे कि इस पर ध्यान केंद्रित करें, इसको देखें आके, चार दीवारी का निर्माण करें और शिक्षा की उचित व्यवस्था जो बिहार में सरकार चला रही है उसका मजाक न बनाए। क्या परिचय? प्रकाश कुमार यादव नाम है मेरा, मैं धनसिंह पंचायत मुखिया प्रतिनिधि हूँ।